जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद म्यूजिक लाजमी हम आपको सुनाएंगे क्योंकि ब्रंच शो हो हमारा कैफे मार्गला का और कैफे मार्गला की टीम आप लोगों के लिए कोई ना कोई म्यूजिशियन अपने साथ ना लेकर बैठी हुई तो इम्पॉसिबल होता है। हमारे गैंगस्टर हैं एल्सन क्रिस्प जो कि लिरिक्स राइटर भी हैं और सिंस 2012 जी हाँ 2018 से गिटार सीखना उन्होंने शुरू किया और गिटार प्ले करते हुए 4 साल का अरसा उन्हें हो चुके हैं। अच्छे सिंगर भी हैं और कई पाकिस्तानी गानों को कवर भी कर चुके हैं। एल्सन क्रिस आज बने हैं कैफे मार्गला के मेहमान। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे हमारे आप जैसे यंगस्टर्स हैं ठीक है ना, तो उनको किस किस्म के म्यूजिक इंस्पायर करते हैं ताकि हम उससे थोड़ा कैटेगराइज कर सकें कि अच्छा इसलिए हमारे स्टूडेंट्स जो हैं या हमारे बच्चे जो हैं वो जाना चाहते हैं आगे। बिल्कुल, जैसे कि मतलब कि यंगस्टर्स की अगर बात है या जिस तरह हम सब हैं और जितनी यंग जनरेशन हैं तो हमें मतलब कि एक डिफरेंट म्यूज़िक और मतलब कि एक कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री में आ रहा है या प्रोडक्शन में आ रहा है तो वो उसको हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हमें वो करते हैं तो हम उसको ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उसको। हमारे सारे बच्चों को ये ब्रेकअप सॉन्ग्स इतने पसंद क्यों होते हैं ये बताओ मुझे पहले। सबकी अपना अपना एक अपनी अपनी चॉइस होती है। आपको कैसे सॉन्ग्स पसंद है, किस किस्म के कवर्स आपने अभी तक कवर किए? ज्यादातर सोलफुल सॉन्ग, सोलफुल होने चाहिए बिल्कुल, और लाइक लाइट लाइट लाइट। वाओ माशाल्लाह, खुद बहुत प्यारा गाते हो और एल्सन आवाज मीठी है ठीक है और बीट भी जब आपने आगे जाके थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया ना, थोड़ी सी हाई की है वो बहुत प्यारी थी और अब आई जस्ट विश कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी में आगे लेकर चलें। अब अच्छे से अच्छा गाओ, हम आपको बहुत सारे ओएसटी परफॉर्म करते हुए देखें ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान में ना ओएसटी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे ड्रामा इंडस्ट्री माशाल्लाह बड़ा प्यारा काम कर रही हो और ऐसे ऐसे ड्रामाज होते हैं कि जिनकी अगर स्टोरीज खत्म भी हो जाए तो उनके ओएसटी जो सॉन्ग्स चल रहे होते हैं और लोग गाड़ी में लगा हुए, कोई भी टॉप रेटेड आपका कोई ड्रामा चल रहा है तो लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं। कभी ये सोचा है ये कितना टाइम के नेस्कैफे बेसमेंट हो या कोक स्टूडियो हो इसके लिए कभी परफॉर्म करो, या क्योंकि वहां पे भी यंगस्टर्स को प्रमोट किया जाता है? जी देखी जाए बात तो नेस्कैफे ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वाकई वहां से बहुत सारे हमारे यंग जनरेशन हुई है तो मुझे तो बढ़ रहा है क्लोजिंग की तरफ ठीक है ना, लेकिन क्लोजिंग हम करेंगे इस ब्रंच से नहीं एल्सन के सॉन्ग के साथ। और कि अभी भी आप हमें कोई आतिफ का या अली का कोई कवर सुनाएंगे जाते जाते, या फिर क्योंकि मैं आपकी गिटार और आपकी आवाज से क्लोजिंग लेना चाह रही हूँ, या फिर आप हमें आसिम का कुछ सुना के क्लोजिंग की तरफ जाएंगे? आतिफ भाई का करते हैं। आतिफ भाई का चैलेंज है, आतिफ भाई आपके ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अभी मेरी तरफ से। बाय द वे अल्लाह हाफिज़।